हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडमी नोट 5 प्रो के नए अपडेट के बारे में, जिसके बारे में कई सारे लोग मुझसे कई सारे सवाल कर चुके हैं। जी हां, ये अपडेट एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट के बारे में बात होने वाली है, यानी कि मेजर अपडेट के बारे में बात होने वाली है, यानी कि एंड्रॉयड पी, एंड्रॉयड पाई जो बोल लो, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेडमी नोट 5 प्रो को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा और क्यों मिलेगा। ठीक है, तो अभी मुझसे जन रिसेंटली कुछ लोगों ने ये सवाल पूछ दिया कि भाई MIUI 10 के स्टेबल अपडेट के साथ क्या एंड्रॉयड पी भी मिल जाएगा Redmi Note 5 Pro को? तो भाई ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ऑफिशियली Redmi Note 5 Pro के अंदर स्टेबल अपडेट आके इंस्टॉल हो चुका है। और हाँ, एक बंदे ने यह भी पूछा कि स्टेबल अपडेट कब मिलेगा, आज ही मेरी किसी वीडियो पे कमेंट आई है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक ये वीडियो बना करके सबको भाई समझा दूं और सबके डाउट जो है क्लियर कर दूं। तो MIUI 10 के स्टेबल अपडेट के साथ तो आपको एंड्रॉयड पी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, बट कुछ महीनों के बाद, कितना महीना ये कहना मुश्किल है, आपको इसमें अपडेट मिल सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई Redmi सीरीज़ को तो एक ही मेजर अपडेट मिलता है और ये जो है इंडिया में एंड्रॉयड ओरियो के साथ लॉन्च हुआ था, सॉरी नॉगट के साथ लॉन्च हुआ था, तो इसमें ओरियो कैसे, ओरियो तो आ गया तो अब इसमें पी कैसे आएगा? तो भाई इसका जवाब मेरे पास है, इंडिया में ये नॉगट के साथ लॉन्च हुआ था लेकिन चाइना में ये ओरियो के साथ लॉन्च हुआ था। तो इंडिया के हिसाब से मान लो तो नॉगट के बाद ओरियो मेजर अपडेट हो गया, लेकिन चाइना की अगर मानो तो ओरियो आया वहां डायरेक्ट। ठीक है, तो ओरियो के बाद भाई पी तो मिलना चाहिए, वहां पाई मिलना चाहिए। तो अगर चाइना वालों को पाई मिलेगा तो वो पाई सिंपली वो वर्जन वो लोग ग्लोबली भी लॉन्च कर देंगे, थोड़ा बहुत माइनर मेजर उसमें जो है चेंजेस करने होंगे उनको बस। तो मान के चलो आपकी इस फोन को एंड्रॉयड पी का सपोर्ट जरूर मिलेगा, कब तक मिलेगा भाई ये बात मत पूछो। ये मुझे लगता है कि अभी तो 5-6 महीने कम से कम लग जाएंगे आराम से, क्योंकि पहले वो बीटा टेस्टिंग स्टेज में आएगा, वो भी चाइना लेवल पे बीटा टेस्टिंग स्टेज में आएगा, उसके बाद वो ग्लोबल लेवल पे बीटा टेस्टिंग स्टेज में आएगा और उसके बाद वो फाइनली जो है लॉन्च होगा। तो आप आराम से 6 महीना मान लो, और अभी इसकी कोई लीक भी नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ पर Mi Mix 2S में चाइना में जो है बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है इस फोन के, मतलब इस फोन के लिए नहीं, Mi Mix 2S के लिए, और साथ ही साथ पोको फोन का आपने नाम सुना ही है, बिल्कुल सुना है, पोको फोन में भी जो है बहुत जल्दी ग्लोबली बीटा टेस्टिंग शुरू होने वाली है एंड्रॉयड पी के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड MIUI A1 और MIUI A2 को भी ज़रूर मिलेगा। जो MIUI डिवाइसेस होते हैं Xiaomi के, उनको 2 मेजर अपडेट मिलता है, लेकिन जो Redmi डिवाइसेस होते हैं उनको 1 मेजर अपडेट मिलता है। अगर Redmi Note 5 Pro के अंदर हमें वो मेजर अपडेट मिल जाता है जिसकी हमें इंतज़ार है, यानी कि एंड्रॉयड पाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ये पहला डिवाइस बन जाएगा अपने लिस्ट में जिसको कि 2 मेजर अपडेट मिल गया हो Redmi सीरीज़ के अंदर। तो ये डाउट था, मुझे क्लियर करना था, आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपको चाहिए अदर डिवाइसेस के बारे में कि किन किन डिवाइस को मिल सकता है एंड्रॉयड पी का अपडेट, तो भाई बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये तो छोटी सी है, जस्ट इन्फो के लिए थी, वो लंबी हो जाएगी। कब तक मिलेगा एक्सपेक्टेड डेट, सारे डिवाइस की लिस्ट मैं आपको दे सकता हूँ, एक्सपेक्टेड डिवाइस की लिस्ट 100% श्योर नहीं है, बट 60-50 का रेशियो है कि भाई हाँ मिल सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए। वीडियो पे 100 लाइक हो जाना चाहिए, कैसे होगा आप जानो भाई, 100 लाइक तो कम से कम होना चाहिए, 100 लाइक जरूर से होना चाहिए। ठीक है, आज मैंने 2 वेबसाइट बनाई, मतलब 2 वेबसाइट पे काम किया, एक पूरी बनाई एक आधी बनाई, खैर जो भी है, तो ये जो है मिलने वाली है आपको। और फोन मैंने चार्ज में लगाया था और सोचा था कि बैटरी फुल रख के MIUI 10 के कुछ फीचर्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने फोन तो चार्ज में लगाया लेकिन चार्जर ऑन ही नहीं किया था, तो 3% रह गई बैटरी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे। और अगले वीडियो में हम लोग हाँ इसके साथ मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ अनबॉक्सिंग की वीडियोस पड़ी हुई हैं तो हो सकता है कि मैं वो भी बना दूँ। ये है Redmi 6, है मैंने ले लिया है और अपने लिए, मतलब पापा को दे दिया है, तो घर में रह गया अब ये, तो इसके रिगार्डिंग जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, इसके रिगार्डिंग हमेशा वीडियो में अवेलेबल करा सकता हूं आपके लिए। चलो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।